श्री राधे राधे, आप सब कैसे हैं? और आज है वट सावित्री, तो आप सबको ढेर सारी वट सावित्री की शुभकामनाएं। और आप सब लोग सादा सुहागन रहे, जो भी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं। आइए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे वट सावित्री पूजा घर पे करती हूँ। मैं वट वृक्ष के पास जाके बाहर मंदिर में या बाहर नहीं करती, मैं घर पर ही करती हूँ। कैसे करती हूँ तो आप देख रहे हैं, सारे पूजा की सामान है जो कि मैं पूरी रात जग के सजाई हूँ। और ये वट है, वृक्ष है, बड़ा मुश्किल से मुझे वट वृक्ष मिला। मैं ढूंढती रही बट मुझे मिला नहीं। फाइनली जब मैं बहुत उदास हो गई थी तो मुझे वट दिखा मेरे कंपनी में, तो कंपनी में जो गार्डन है वहाँ पर वट दिखा, फिर मैं लेके आई। तो ये देखिए, मैं कलश रखी हूँ, बिना कलश की मैं पूजा नहीं करती, कोई भी पूजा हो। और ये सारे चने के बहुत महत्व दी गई है इस पूजा में। चने को रात को भिगोया जाता है और फिर दूसरे दिन उसको चढ़ाया जाता है। ये पंचामृत बनाया है, ये फूल है, सारे पान के पत्ते हैं, ये सुहाग की चीज़ें हैं, ये सुहाग की चीज़ें हैं जो कि माता वट सावित्री को देते हैं पूजा में। इसको रखते हैं, सुहागिन जितनी औरतें हैं जो सुहाग की चीज़ें यूज करती हैं वो भी माता वट सावित्री माँ को दिया जाता है। और ये देखिए, मैंने एक टेबल रख के सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की है। मैंने यहाँ पे गणपति बप्पा और गौरी माँ को बनाया, सुपारी में कलेवा लपेट के और गणपति बप्पा बनाया है। और ये आप देख सकते हैं, सारी पूजा की सामग्री है। और अभी पूजा मैं स्टार्ट करूँगी। आप देख रहे हैं, हर चीज़ मैंने एक दिन में सारी तैयारियाँ की हैं। और इस तरह से पूजा करती हूँ मैं अपने घर पे, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास, आपके आसपास में वट वृक्ष नहीं है तो आप घर पे वट वृक्ष लाके और पूजा कर सकते हैं गमले में रख के। और कलश रखना बहुत ज़रूरी होता है, बोलते हैं कि कलश में पांच देवी देवताओं का निवास होता है, इसीलिए पंच पलव रख के और पूजा और कलश का पूजा जरूर करनी चाहिए, तभी पूजा सफल होती है। तो अभी मैं रेडी हो गई, और रेडी होने के बाद बोलते हैं कि आज के दिन दुल्हन की तरह सजते हैं, सारे गहने मेकअप बिल्कुल दुल्हन की तरह सजते हैं और सज के फिर पूजा करने बैठते हैं। तो आज मैंने साड़ी पहना जल्दी जल्दी और अपनी चुन्नी ले लिया लहंगे की। तो ये मैं पूजा करने अभी स्नान करा रही हूँ पूजा के लिए, अभी लेट हो रहा है तो जल्दी जल्दी पूजा भी करना है। तो ये देखिए, मैं पूजा कर रही हूँ, पहले स्नान कराया, उसके बाद से मैं टीका करूँगी। तो आप इस पूजा में पूजा कि सब लोग जानते हैं कि कैसे होता है, तो आप एक देख सकते हैं, देख के समझ में आ जाएगा कि कैसे पूजा करना है। तो ये बस यही है कि अगर बाहर आपको वट वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप वट के एक टहनी भी तोड़ के ला सकते हैं जिसमें चार पांच पत्ते हों, और घर में ला के गमले में रख के पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास वट वृक्ष भी नहीं है, आपके पास तुलसी पौधा है, तो तुलसी पौधा की भी पूजा करके आप वट सावित्री की पूजा कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि बोला गया है शास्त्र में कि तुलसी पौधे में पांच पंच तत्व, मतलब इनसे पांच देवी देवताओं का निवास होता है। तो आप तुलसी पौधा की पूजा करके भी वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी पौधा नहीं है तो आप वट वृक्ष कहीं पे दिखे तो आप उसके चार पांच पत्ते, पांच पत्ते तोड़ना है, और पांच पत्ते तोड़ के उसको वॉश कर ले और उस पर नाम लिख दे। एक पत्ते पे सावित्री नाम लिख दे, एक पत्ते पे सत्यवान, और तीसरे पत्ते पे जो तीसरा लीफ होगा उस पर आप श्री विष्णु जी का नाम लिख दे, और चौथे पे आप यमराज का नाम लिख दे, और पांचवें माँ सरस्वती ब्रह्मा जी का नाम लिख दे। तो इस तरह से पांच पत्तों का पांच देवी देवताओं की पूजा होती है वट सावित्री में। तो ये पांचों देवी देवता का नाम लिख दे पत्ते पे, और फिर पत्ते पे ही पूजा करें। जो भी आप ऑफर करेंगी, जो भी आप मतलब पूजा में चढ़ाएंगी, जो सामग्री फल फूल फ्रूट्स पंच कलेवा, जो भी कुछ आप कपड़े सुहाग की श्रृंगार की जो भी चीज़ें होती है, सुहाग की जो भी आप चढ़ाएंगे, जो भी चढ़ाना होगा सब पत्ते पे चढ़ाना होता है। अगर आपके पास पत्ते भी अवेलेबल नहीं हैं
तो आप 5 इनो पॉलव आम का, जो आम के पत्ते होते हैं पंच पॉलव, उसकी आप ऐसे कलश रख के, जैसे मैंने कलश रखा है, एक लोटा लेंगे, उस लोटे में पानी भरेंगे और उसमें चावल डालेंगे, हल्दी डालेंगे और सुपारी डालेंगे और एक सिक्का डाल देंगे, और फिर उसके बाद से 5 पॉलव या 7 पॉलव का आम का पत्ता या आप अशोक की पत्ते जो होती हैं 7, वो आप कलश में डाल के फिर आप राइस रख लें कटोरी में और उसके ऊपर रख दें, फिर उसके बाद आप घी का दिया लगा दें और फिर आप 5 पल्लो जो है, जो 5 पत्ते हैं उनको टीका कर दें और स्वास्तिक का चिन्ह बना दें कलश के ऊपर, और कलश रख के भी श्री पूजा कर सकते हैं अगर, क्योंकि कलश में भी 5 इनो भगवान का, 5 देवी देवताओं का निवास होता है, तो आपका पूजा कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने सारे ऑप्शन से आप किसी भी तरह से कर सकती हैं। मोस्टली हम लोग बाहर रहते हैं, जो लोग भी बाहर रहते हैं, जैसे मैं अभी अफ्रीका में हूँ तो मुझे यहाँ पर ना बहुत मुश्किल है पूजा की इनो चीज़ें कलेक्ट करना, इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है जब भी पूजा पाठ का होता है, तो मैं सोचती रहती हूँ मैं कहाँ से क्या लाऊँ क्या करूँ, क्योंकि कंप्लीट आप पूजा की सामान भी नहीं मिलती है, कभी कुछ मिलेगा तो कभी कुछ मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकती हैं मैं जो श्रृंगार की चीज़ें हैं, जो सुहाग की चीज़ें हैं, वो मैं एक एक जगह से लेके एक एक चीज़ें लेके आई हूँ, और कुछ इंडिया से लेके आई थी, तो मैं वो यहाँ पे चूड़ियाँ तो यहाँ बड़ी मुश्किल है मिलना, तो मैं कंगन घर से लेके आई, मेरी सासू माँ ने दिया था पिछली बार, तो मैं हमेशा ऐसे उसमें से निकाल निकाल के चढ़ाने के लिए अलग खरीद के दी थी, तो मैं हर साल जो भी मेरा पूजा के मतलब होती है तो उसमें मैं रखती हूँ। तो ऐसा है कि अगर आप बाहर हैं और किसी चीज़ की सुविधा नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ करके पूजा कर सकती हैं। तो वट सावित्री में आपको वट मिलना बहुत मुश्किल होता है, वट वृक्ष, तो आप पत्ते यूज़ कर सकते हैं, टहनी यूज़ कर सकती हैं, तुलसी पौधा की पूजा करके कंप्लीट कर सकती हैं, 5 पत्ते पे भी पूजा कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है आपके पास से, नहीं मिल रहा है, तो आप कलश में कलश रख के और पूजा कर सकती हैं। मान्यता है कि कलश रखने से पूजा सफल होता है, कंप्लीट होती है। तो इस तरह से पूजा मैं करती हूँ, मैं कलश रखती ही रखती हूँ। तो ये उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो शहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, और कुछ उनको उपलब्ध नहीं है, तो आप ऐसे पूजा कर सकते हैं घर पे। तो मुझे ऑफिस भी जाना था तो, और मुझे पूजा भी करना था, तो मैं पूरी रात पहले तो ऑर्गेनाइज़ की सारी चीज़ें पूजा की, उसके बाद से 3 बजे उठ के मैं पूरा पूजा का सामान, ये जितना चौकी है, चौकी पूरी और पूरा सजाई कलश उलस, फिर 5 बजे से स्टार्ट की पूजा करना, मुझे 2 घंटा लगा पूरा सजाने में, और फिर स्टार्ट की पूजा 5 बजे से लेके 6 बजे तक। तो ये मेरा पूजा अभी मेरा कंप्लीट हो गया। तो अभी ये देखिए मैं पूजा करके ये सारी सामग्री चढ़ाने के बाद मैं थ्रेड लगाऊंगी, पौधे में बांधूंगी, और थ्रेड बांध के ये बोलते हैं भावर, तो ऐसे मतलब फेरे लेंगे, तो थ्रेड बांध के और ऐसे राउंड राउंड घूमेंगे, आप 7 बार घूम सकते हैं, 21 बार घूम सकते हैं, 121 बार घूम सकते हैं, 101 घूम सकते हैं, तो आपको जितना भी चक्कर लगाना है वट वृक्ष का, आप उतना बार वो घूम घूम के, राउंड राउंड घूम के आप चक्कर लगा सकते हैं, बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। और आपके पास अगर कलेवा हो तो वो भी बांध के आप घूम सकती हैं, अगर आपके पास थ्रेड है मतलब वाइट थ्रेड बोलते हैं कि वाइट थ्रेड अगर नहीं है येलो थ्रेड तो वाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वाइट अवॉइड करना चाहिए, और हमेशा बाएं की तरफ से स्टार्ट करना चाहिए घूमना, दाहिने की तरफ से कभी भी नहीं। जब आप फेरे लेती हैं, जब आप थ्रेड धागा बांध के भी वट वृक्ष में घूमती हैं तो बाएं की तरफ से घूमना होता है। तो देखिए मैं बाएं की तरफ से घूम रही हूँ और मैंने लगाया फेरे जितना मुझे करना था, और फिर उसके बाद से पूजा इस तरह से प्रॉपर तरीके से मैंने किया, मुझे जितना समझ में आया, जितना मेरे को मालूम है कि मम्मी कैसे करती थी घर पे, वैसे मैंने किया, तो मेरा पूजा हो गया। और ये देखिए वट सावित्री माँ की पूजा कंप्लीट।
तो ये मेरे वट वृक्ष जी के देखिए, बड़ा मुश्किल से मुझे पौधा मिला। आज का दिन इतना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी यू नो वट सावित्री, करवा चौथ और तीज आता है ना, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, फेवरेट पूजा है। तो ये मेरी पूजा देखिए, मैंने क्या क्या चढ़ाया है। आप इस तरह से पूजा कर सकती हैं घर पे ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे पूजा कर सकते हैं। देखिए मैंने तुलसी पौधा रख के तुलसी माँ की भी पूजा की है, और थ्रेड उनको भी ऐसे भावर ली, तो मैं थ्रेड उनको भी लेके ली, क्योंकि वट वृक्ष भी है और तुलसी पौधा भी है, तो मैंने दोनों की ही पूजा की। और इस तरह से मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की। पूजा के बाद मैंने अपने पति देव की पूजा की। पति की पूजा करते हैं उन, आप पैर भी धो सकती हैं, फिर उनको टीका करेंगे। पीपल मतलब जो वट वृक्ष है उसके नीचे का मिट्टी, और जो हम चढ़ाए होते हैं सिंदूर और चंदन, पीला चंदन, वाइट चंदन, जो भी हम चढ़ाए होते हैं वो टीका करते हैं पति की। और फिर उसके बाद से कलेवा हाथ में बांधते हैं, फिर चना और जो भी चढ़ाए होते हैं वट वृक्ष को, वट सावित्री माता को, वट वृक्ष को, उसमें से प्रसाद पति को खिलाते हैं, फिर उनका पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, और फिर पंखा डुलाते हैं। तो मेरे पास पंखा नहीं था, क्योंकि पंखा तो होता है वो बोलते हैं ना कि जो पंखा हवा देता है, वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने आँचल से ही पंखा डुलाया, और जो विधि विधान है उस तरह से मैंने पूजा किया, जैसे मेरे ससुराल में होता है, मायके में होता है, उस तरह से मैंने फॉलो किया अपना रिचुअल। और यू नो सब लोग यही बोलते हैं, मेरी सासू माँ बहुत खुश थी और बोल रही थी कि आसपास के पड़ोसी लोग बोलते हैं कि आपकी बहू ये पूजा करती है। तो मेरी सासू माँ बोले हाँ वो तो पूजा करती है, तो बताइए विदेश में रह के भी वो अपना पूजा पाठ करती है और इतना कुछ मैनेज करती है, और बहुत खुशी होती है। हम लोग यहाँ रह के भी नहीं पूजा कर पाते। तो ऐसा है कि मतलब जहाँ भी हो, मेरा मानना है कि आप जहाँ भी कहीं भी हो, आप अपना रीति रिवाज ना भूलें, आप अपना रिचुअल थिंग्स ना भूलें, आपकी जो फेस्टिवल है आप सेलिब्रेट करें, थोड़ा में या ज़्यादा में, बट करना चाहिए, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, जितना है आपके पास उतना में कीजिए। कभी भी अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप कहीं भी रहो, आप अपना कल्चर कभी नहीं भूलो, अपने कल्चर को फॉलो करो और उस पीढ़ी को आगे लेके चलो, मेरा ये मान्यता है। तो मेरी पूजा अभी समाप्त हुई। तो आप लोग इस तरह से वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऑप्शन बताया, वट वृक्ष नहीं हो तो क्या करना चाहिए, तुलसी पौधा नहीं हो तो क्या करना चाहिए। तो इस तरह से आप घर पे ही वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं, और आप विधिवत रूप से देख लें कि मैंने कैसे वीडियो बनाया है। तो अभी कंप्लीट हो गया, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ढेर सारा प्यार दें। और आप सभी मेरे बहनों को, माताओं को ढेर सारा वट सावित्री की शुभकामनाएँ। माँ वट सावित्री सबकी सुहाग की रक्षा करे, सबकी सुहाग की लंबी उम्र हो, और उसके पीछे मेरी भी सुहाग की लंबी उम्र हो। तो दिल से सबके लिए दुआ है। सब आप लोग जहाँ कहीं भी हो, आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, और इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो अभी प्लीज़ फॉलो मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हो गई वट सावित्री की पूजा, और पूरे दिन हमारा दिन बहुत अच्छा गया, सो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है आज।